बता दें काफी अहम ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। भिलाई में आईआईटी की आधारशिला वो रखेंगे, साथ ही साथ स्टील प्लांट की 7 नई यूनिट का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारियां यहां पर मुहैया कराई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहां पर जानकारियां ले रहे हैं। तो कई बड़ी सौगातें यहां पर भिलाई को आज मिलने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भिलाई में आईआईटी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट की 7 नई यूनिट का उद्घाटन भी वो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई पहुंच गए हैं। तमाम तरीके की जानकारियां यहां पर प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई पहुंच गए हैं, जहां पर आईआईटी की आधारशिला वो रखने वाले हैं, साथ ही साथ 7 नई यूनिट स्टील प्लांट की का उद्घाटन वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के भिलाई प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी तरह से तैयारियां यहां पर कर ली गई थी। मोदी के कार्यक्रम का प्रस्तावित मिनट टू मिनट शेड्यूल तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टील प्लांट का दौरा कर रहे हैं, यहां एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा जयंती स्टेडियम में आम सभा भी वो करने वाले हैं। तो आम सभा स्थल से ही आईआईटी भिलाई का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के भिलाई प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई। मोदी के कार्यक्रम का प्रस्तावित मिनट टू मिनट शेड्यूल यहां पर तय कर लिया गया था। भिलाई के प्रवास के दौरान पीएम मोदी भिलाई स्टील प्लांट का दौरा कर रहे हैं, यहां एक्सपोजन प्रोजेक्ट का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा जयंती स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो आम सभा स्थल से ही आईआईटी भिलाई का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भिलाई प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्टील प्लांट की 7 नई यूनिट का उद्घाटन वो करने वाले हैं। साथ ही साथ आईआईटी की आधारशिला भी वो रखने वाले हैं।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री भिलाई प्रवास पर हैं। जहां वो स्टील प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं, 7 नई यूनिट का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं वो एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे और आम सभा के ही मंच से आईआईटी की आधारशिला वो रखने वाले हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं। स्टील प्लांट की 7 नई यूनिट का शुभारंभ भी करने वाले हैं। उसके बाद वो आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टील प्लांट में मौजूद हैं, वहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारियां उनको मुहैया कराई जा रही हैं और सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। उनकी मंजिलों को पास लाता हूं।
स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड का भिलाई इस्पात प्लांट विकास की गाथा से जुड़े हजारों लोगों की कहानी है, उनका सपना है, उनका समर्पण है, उनकी प्रतिबद्धता है, उनका प्यार है, जो हर पल कुछ नया करने में यकीन करते हैं। फिर चाहे आप क्वालिटी की हो या फिर नई और ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, हम तो नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने में कभी भी पीछे नहीं हटे। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है से। That was a special presentation. तो आपको बता दें, भिलाई स्टील प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मौजूद हैं, वहां का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही हैं। सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई स्टील प्लांट में मौजूद हैं। जानकारियां वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही हैं। इस्पात संयंत्र का दौरा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टील प्लांट में कई तरह की जानकारियां उनको मुहैया कराई गई हैं। सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। सात नई यूनिट का शुभारंभ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके बाद वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां से आईआईटी की आधारशिला वो रखेंगे और उसके बाद 2 बजे वो वापस रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आईआईटी की नई आधारशिला भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। राष्ट्र को समर्पित आधारशिला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इस वक्त पीएम भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो रहे हैं। भिलाई प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां भिलाई को कई तरह की सौगातें वो देने वाले हैं। 7 नए स्टील प्लांट का शुभारंभ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक आम सभा को भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और वहीं मंच से आईआईटी की
आधारशिला वो रखेंगे। भिलाई में आईआईटी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई के इस्पात संयंत्र का दौरा यहां पर करके अभी अभी निकले हैं, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम उनका होगा? देखिए, आगे का वो आम सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट पहुंचने वाले वो दूसरे यहाँ प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, काफी खास मौका था ये, और इस मौके पर जिस तरह से वो भिलाई स्टील प्लांट के भीतर गए, और अब तक प्रधानमंत्री रहते सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बीएसपी प्लांट के अंदर गए हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी को शहर के भीतर ले जाने का यहाँ पे जब कार्यक्रम तय हुआ था तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे कई सारी बातें हुई थी। नक्सली धमकियों के बीच में यहाँ पे बुधवार को जिस तरह से यहाँ पे तमाम अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में इसको कर दिया गया था, और आज चूंकि यहाँ पे आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे तो उनको स्वागत करने वाले को लिस्ट के साथ साथ भी जिस तरह से किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे उसको लेकर तमाम चीजें यहाँ पे रखी गई थी। देखिए, बीएसपी ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 मिलियन टन विस्तारीकरण योजना के तहत नए यूनिट बनाए गए हैं, और देखिए ये सारे यूनिट काफी अहम हो जाते हैं, जिसमें यूआरएम यूनिवर्सल रेल मिल, डीआरएम बाल एंड रॉड मिल, ब्लास्ट फर्नेस आर्ट और एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप 3। तो इन तमाम योजनाओं को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सटेंशन है, देखिए भिलाई स्टील प्लांट तो पहले से मौजूद है, लेकिन ये इस एक्सटेंशन का शुभारंभ यहाँ पे किया है, और इस प्रोजेक्ट से बीएसपी का उत्पादन 60% बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी संयंत्र का जो उत्पादन है अगर वो 60% बढ़ जाए आधुनिकीकरण के साथ में तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है, और इससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिहाज से बल्कि देश की स्टील इंडस्ट्री सेक्टर के लिहाज से भी बेहद अहम प्रोजेक्ट ये साबित होगा। और आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो बीएसपी जो भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम अधिकारी बीएसपी के यहाँ पे प्रधानमंत्री को समझा रहे थे कि किस तरह से भिलाई स्टील प्लांट की अहम भूमिका है, तो देखिए बीएसपी का जो उत्पादन है वो 3,509 मैट्रिक टन है, जो बढ़कर 7,500 मैट्रिक टन हो जाएगा। और इसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पे पूछा कि इसके बाद कहाँ जाने का कार्यक्रम है, जयंती स्टेडियम जाएंगे वो, वहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी विकास यात्रा का वहाँ पे समापन पहले चरण का होगा, और इसके साथ ही पीएम मोदी भिलाई में आईआईटी भिलाई भवन का भी शिलान्यास करेंगे, और जगदलपुर में शुरू होने वाली घरेलू विमान सेवा का रिमोट उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से पीएम के पिछले जो भी विजिट मिलने की तैयारी थी, लेकिन विमान चलाने वाली कंपनी के पास विमान उपलब्ध नहीं थे तो इसकी वजह से वो समय टल गया था, तो आज ये सौगात मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सौगात, देखिए बीएसपी में किस तरह से 60% यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, इसके साथ में जो वायु सेवा है, डोमेस्टिक फ्लाइट है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पत्थर है, वो आज वायु मार्ग से जुड़ जाएगा और रायपुर से जगदलपुर। अब देखिए, किसी भी शहर से अगर आपको जगदलपुर पहुंचना है तो रायपुर आकर और आप सीधे जगदलपुर वायु मार्ग से जा सकते हैं। फिर बहुत से बड़ी सौगात यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाने वाली है। और इसके पहले जिस तरह से बीएसपी में गए, बीएसपी में तमाम चीजों को उन्होंने देखा समझा और किस तरह से अहम भूमिका होती है। देखिए, स्टील उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का एक अपना अहम योगदान है, और लिहाजा ऐसे में यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तमाम तथ्यों को समझा और जाना, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस सेक्टर में किस तरह से नया पल लाते हुए आधुनिकीकरण के साथ में किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है, इसमें काफी बारीकी से उन्होंने समझा और जाना। और देखिए, भिलाई स्टील प्लांट के जो एजीएम थे, 12 अधिकारी, ज्यादा अधिकारी भी नहीं थे, यहाँ पे कुछ अधिकारी ही मौजूद थे, और उन अधिकारियों के साथ में ही यहाँ पे बातचीत हुई है। और जिस बीएसपी में पीएम मोदी आ रहे हैं, और काफी समय पहले इसके निजीकरण का भी काफी विरोध हुआ था, तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो ये दौरा पीएम मोदी का और भिलाई स्टील प्लांट में जाना, और भिलाई स्टील प्लांट में पहुंचने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, कुल मिलाकर भिलाई में 3 घंटे रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने बीएसपी में काफी समय बिताया, और काफी समय बिताकर उन्होंने इस उद्योग को जो बीएसपी का शेयर है उसकी कितनी अहम भूमिका है भारत के नवनिर्माण में और भारत के तमाम सैटेलाइट लॉन्च में, उसको जाना और समझा। और इस तरह से भिलाई स्टील प्लांट और छत्तीसगढ़ की घरेलू विमान सेवा के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। जी गांधी जी, वहीं अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम सभा को भी भिलाई में संबोधित करने वाले हैं, तो वहां के जो प्रवासी हैं, जो वहां के रहवासी हैं, उनकी काफी उम्मीदें यहां पर बढ़ जाएंगी, तो किस तरीके की सौगातें वहां उनको मिलने की उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए सौगातों के तौर पर जितनी योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की जी, उन तमाम योजना के तहत में यहाँ पे वो सौगातें देते नजर तो आएंगी। लेकिन देखिए रोजगार के मामले में जिस तरह से भिलाई स्टील प्लांट का काफी अहम योगदान रहता है और यहाँ पे लोकल जो है वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, तो भिलाई स्टील प्लांट में कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे 20 मिनट के दौरान जिस तरह से भिलाई स्टील प्लांट में मोदी जी मौजूद रहे और यहाँ पे जो जो जिन जिन अधिकारी ने इसकी जो बातचीत की, तो यहाँ के रहवासी जो है जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे रहते हैं काफी लंबे समय से और एक जनरेशन जिनका अपना काम जिन्होंने अपना जीवन डेडिकेटेड किया एक जनरेशन, अब वो दूसरा जनरेशन चाहता है कि वो भिलाई स्टील प्लांट के लिए काम करे। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो भिलाई स्टील प्लांट में अगर ये क्षमता बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने से यहाँ पे कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो इससे जो वहाँ के रहने वाली रहवासी है उसका भी इनका फायदा मिलेगा। तो स्वयं की एक इकाई है भिलाई स्टील प्लांट और इसमें लगातार तमाम बातें होती रहती है और इसमें अगर बात की जाए तो भिलाई में जिस तरह से रोड शो होने वाला था लेकिन रोड शो को सुरक्षा कारणों से यहाँ पे रोक दिया गया और यहाँ से वो आमसभा को ही संबोधित करेंगे और आमसभा में जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पे कई सारी सौगातों की बात करेंगे जो उन्होंने औद्योगिक नगरी को समझा है जाना है और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने तमाम बातचीत की है। तो कुल मिलाकर जब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जिस तरह से नए रायपुर पहुंचे और उड़ान योजना जिक्र काफी चल रहा है जेएनके स्टेडियम से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद विमानतल से वो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वहां से वो नया रायपुर गए, नया रायपुर से सीधे वो भिलाई पहुंचे हेलीकॉप्टर से और वहां पे पहुंचकर उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और जो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। तो देखा जाए तो यहाँ के जो रहवासी हैं, भिलाई के जो रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कई सारी सौगातें आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान यहाँ पे उनको